फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसे आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि नए नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो छोटा सा जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल आपके चैनल आपके मोबाइल पर सब्सक्राइब हो जाए और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा फल होता है, ये देख रहे हैं, करौंदे कहते हैं इसे। हरी मिर्च, धनिया, करौंदा और दो चार अगर पुदीने की पत्ती मिले तो वो भी डाल दीजिए। इसकी मैं ज़बरदस्त चटनी बनाने वाली हूँ जो आपको किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं और इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी लगती है और 2 मिनट में बनती। बस फटाफट से हमने धनिया वैसे ही डालना है, हरी मिर्च का सिर्फ डंठल निकालना है और इसमें कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा पीछे वो होगा इसकी डंठल, किसी में मिलती है किसी में नहीं मिलती, उसको अलग कर दें और उसको बस धो लेना है। अब चलिए मैं इसे पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए सब डाल दिया है, अब इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, अब हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे फटाफट से पीस लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट मत बनाइएगा चटनी का, मैं इसके पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। एकदम बारीक पीसने से और उसमें थोड़ा पानी डालने से ना उसका टेस्ट ही पूरा ख़राब हो जाता है। चटनी को हल्का सा दरदरा रखें और पानी ना मिलाएं उसमें। ये देखिए कितनी जल्दी से पीस गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत खट्टी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर, लाइक, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने किया है उन सभी को थैंक यू सो मच। तो चलें दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।